नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी व्यूज का स्वागत करता हूं फिर से नई जानकारी के साथ। बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि अगर वेटिंग हो या आरईसी है, उनकी सीट हमेशा लास्ट में क्यों दी जाती है, चार्ट बनने के बाद ही क्यों मिलती है, उससे पहले हमें जब भी कंफर्म लिखा आ जाता है लेकिन सीट अलॉट नहीं होती, इसका क्या कारण है, चलिए इस वीडियो में पूरा समझेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस बारे में समझते हैं कि आरईसी या वेटिंग वाले को टिकट हमेशा लास्ट में क्यों दी जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब भी आप समझ लीजिए आरएसी 1 वाले हो, पैसेंजर के रूप में मान लीजिए आपकी आरएसी 1 है, और जब भी कोई कंफर्म व्यक्ति जिसकी S1 में 8 नंबर सीट है तो वो अगर कैंसिल करता है तो वो आरएसी 1 वाले को अलॉट कर दी जाए। लेकिन अगर आप 4-5-6 पर्सन हो, एक साथ ही कैंसिल कर रहे हो, लेकिन 6 कन्फर्म पर्सन अलग अलग कोच से कैंसिल कर रहे हैं, मान लीजिए S1 में 48 है, S9 में है, या S10 में है, या S5 में, अलग अलग कोचेज में है, तो क्या इन सबको एक साथ ही सीट तुरंत अलॉट कर देंगे? तो वो तो अलग अलग कोचेज हो जाएंगे। रेलवे ये कभी नहीं चाहता है कि आप सभी पैसेंजर को अलग अलग कोच और अलग अलग कंपार्टमेंट दिया जाए, वो चाहती है कि उनको एक साथ ही एक कोच में दिया जाए। इसीलिए वो लास्ट मौके पे, जब लास्ट में टिकट विभाजन होता है, सबको डिवाइड की जाती है, वो चेक करते हैं कि किस कोच में कितनी सीटें खाली हैं और कितने एक PNR पे जो 6 सीटें हैं या 4 सीटें हैं उनको एक साथ सीटें देने के लिए वो एक साथ बनाती है। इसीलिए लास्ट में ही ट्रेन के चार्ट बनने के बाद ही सबको डिवाइड करके जो जो जिस हिसाब से उनको सीटें होती हैं वैसे अलॉट करता है। अगर कोई 2% है या 4% है, 6% है, अगर उस कोच में 6 सीटें किसी भी कोच में नहीं खाली तो आरएसी वाला पर्सन को आरएसी में दे दिया जाता है। अगर वो कोशिश सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही होती है रेलवे की, वो एक कोच में दिया जाए, इसीलिए चार्ट बनने के बाद ही सीट अलॉट होती है। चार्ट उसी समय बनाया जाता है, पहले वो चेक करते हैं, एज अ कंप्यूटर सिस्टम होता है ऐसा कि वो एक साथ ही लास्ट में दिया जाए। अगर वो पहले डिवाइड कर देंगी तो फिर तो चलो सिंगल पर्सन वाले को दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5, 6 या 3, 4 वाले पर्सन है उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी वजह से जो रेलवे है वो हमेशा 6 या 5-6 वाले पर्सनों की वजह से लास्ट में ही चार्ट प्रिपेयर करती है ताकि बाकियों को दिक्कत परेशानी ना हो सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।